हेलो स्टूडेंट, यू सर की ये जो लेक्चर सीरीज है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका दोबारा से आपको स्वागत है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिए थे, आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी दी थी और आपको बताया था कि कैसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं हमारे किसी अननोन कंपाउंड्स के या फिर किसी नोन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में या स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में। आज इसी सीरीज़ में जो दूसरी टेक्निक हमारे पास है वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको कहते हैं। तो थोड़ा सा बहुत क्विक में रिकैप करेंगे और हम लोग एक बार देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहाँ हमने कैसे डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटिक रेडिएशन, आप लोगों को बताने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर में कि जितनी भी लाइट्स हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? रेडिएशंस हैं। और ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं क्योंकि इन सारी की सारी रेज में कुछ इलेक्ट्रिक और कुछ मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं। मगर इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स के होने के बावजूद भी इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम करेक्टराइज़ करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इनकी ये हो गई कि ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरीके का कोई डेविएशन दिखाती हैं। मतलब दीज आर इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिक न्यूट्रल, ठीक है ना। ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं डेविएट होती हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट होती हैं। कहने का मतलब उस फील्ड में ये सीधा चली जाती है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिकली क्या होती हैं? न्यूट्रल होती हैं। इसी तरीके से एक दूसरी प्रॉपर्टी जो इनकी है, वो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी सभी की स्पीड्स जो होती है, इनकी सबकी स्पीड इन वैक्यूम जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट जिसको कि हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से जानते हैं, जो कि वेल नोन एस्टेब्लिश फैक्ट है, उतनी स्पीड जो है हर इस लाइट की होती है। तो ये लाइट इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी शो करती है। हम लोगों को पता है लाइट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, और ये प्रॉपर्टीज़ कैसे कैरेक्टराइज होती हैं, इनमें काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन फिनोमिनास के थ्रू ये कैरेक्टराइज होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर परावर्तन की देखने को मिलती है, रिफ्लेक्शन की देखने को मिलती है। इसी तरीके से लाइट के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी को अगर हम और कहें तो डिफ्रैक्शन। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी अगर इसमें देखें तो वह है लाइट की स्कैटरिंग। लाइट में इंटरफेरेंस एंड रेजोनेंस जैसी प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, दिखाती है, ठीक है जी। इसमें जैसे रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट किसी मीडियम से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चले जाएगी तो उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। लाइट अगर टकरा करके उस मीडियम को पार करके अगले किसी मीडियम में चले जाएगी तो उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, जैसे पानी के इधर उधर या कांच के इधर उधर, ग्लास के इधर उधर देखना। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जो डिफरेंट फ्रिंजेस बनती हैं, ब्लैक एंड वाइट फ्रिंजेस बनती हैं किसी लाइट से, उनको कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसी तरीके से लाइट की स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट जब आती है किसी मॉलिक्यूल से टकरा करके अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर से उधर चले जाती है तो उसे कहते हैं स्कैटरिंग, जो कि इन इलास्टिक टाइप की है। मतलब जो उसमें टकराने पर कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं होता, कोई भी गेन नहीं होता, उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी तरीके से एक और फिनोमिना इंटरफेरेंस, जब दो लाइटें आपस में टकरा के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेती हैं, मिनिमाइज कर लेती हैं, तो उसे इंटरफेरेंस और इसी तरीके से रेजोनेंस भी कहते हैं। इसके अलावा लाइट के प्रति मॉलिक्यूल्स के कुछ अलग अलग तरीके के बिहेवियर होते हैं, उस तरीके से भी लाइट को करेक्टराइज किया जा सकता है। कुछ अलग अलग तरीके के बिहेवियर, जैसे कि लाइट के लिए एक एब्जॉर्प्शन का बिहेवियर है, एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से लाइट के लिए एक एमिशन का बिहेवियर हो सकता है, और इसी तरीके से एक स्कैटरिंग का बिहेवियर हो सकता है। तो ये तीन तरीके के बिहेवियर भी कोई पर्टिकुलर मटेरियल या कंपाउंड लाइट के लिए अलग अलग तरीके के
इस तरीके के बिहेवियर दिखा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कोई लाइट आई किसी मैटर पे पड़ी और मैटर ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, अक्यूमुलेट कर लिया, तो उसका नाम आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। ऑन द सेम टाइम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट आई और लाइट आने के बाद उसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो गई, मगर वो थोड़ी देर बाद लाइट किसी ना किसी फॉर्म में बाहर भी निकल गई, उसको कहेंगे एमिशन। बाहर निकलने का मतलब है हो सकता है वो थोड़ा गर्म हो गया मटेरियल, हो सकता है उसके अंदर से कोई रेडिएशन बाहर निकलने लग गई, जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने घड़ी के सेल में देखते हैं जिसको फॉस्फोरिसेंस कहते हैं या फ्लोरिसेंस कहते हैं। इस तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ सकती है, और इसी तरीके से स्कैटरिंग जैसे भी टर्म आ सकते हैं, जैसे कि स्कैटरिंग हो गई जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा। तो इस तरीके से मैटर इन तीन तरीके की प्रॉपर्टीज़ को दिखा सकता है। अब इन प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो हमने टेक्निक डिवाइस की है उनको हम जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली जैसे कि कॉपी, कॉपी इसको स्कोपी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब जो भी मटेरियल है उन पे पढ़ने के बाद लाइट का क्या बिहेवियर हुआ और उस बिहेवियर की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से हम तीन तरीके की बेसिकली फंडामेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा। इसी तरीके से एमिशन के अंदर मैंने अभी आपको फ्लोरिसेंस या फ्लोरीमेट्री या फॉस्फोरीमेट्री या फिर मैट्री या फिर इसके अंदर फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरीके की कुछ टेक्निक्स जो कि बहुत अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। और इसी तरीके से स्कैटरिंग के अंदर एक बहुत फेमस नाम जो आता है बच्चों, वो आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिससे मैं आपको एक्वेंट कराना चाह रहा था, जिनसे मैं आपकी जानकारी शुरुआत में करवाना चाह रहा था। इसी के अलावा आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी इस मामले में भी दी जाती है कि लाइट जो टोटल कॉस्मिक रेज हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर टोटल कॉस्मिक रेज हैं, वो कुछ मामलों में तो बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई, पर काफ़ी मामलों में वो एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, है ना, वो काफ़ी चीज़ों में एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये मैंने बताई आपको उनकी सिमिलैरिटीज, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ उनकी क्या हैं डिससिमिलैरिटी या डिफरेंसेस भी हैं। तो ये डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से, आप इस चीज़ को भी समझें कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं लाइट। ये लाइटें एक दूसरे से कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंट हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स में डिफरेंट हैं। जैसे कि एक पैरामीटर है जिसका नाम है वेवलेंथ, इसी तरीके से एक पैरामीटर है जिसका नाम है एनर्जी, इसी तरीके से एक पैरामीटर है इनका फ्रीक्वेंसी, और इसी तरीके से एक पैरामीटर इसका और है जिसका नाम आता है वेव नंबर। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया, वेलोसिटी या स्पीड हमने इसमें मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेलोसिटी जो है इनकी सेम है, इसलिए आपको देखना है कि इन चार पॉइंट्स में ये डिफरेंट भी है। एक बात जिसको हमने कहा वेवलेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लैटिन टर्म से, जिसे लैम्डा कहते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं। इसी तरीके से एनर्जी मतलब उसकी ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी, इनकी फ्रिक्वेंसी म्यू से इसकी फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं और वी बार से इनकी वेव नंबर दिखाते हैं। तो ये चारों चीज़ों पे, इन चार पैरामीटर्स पे ये डिफरेंट लाइटें जो होती है ये एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, इन चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों को वो क्लासिकल मॉडल याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, एक ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों अनुप्रस्थ तरंगे
ये क्या हैं आपस, ये क्या हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये क्या करती हैं अपनी मेन पोजीशन के अप एंड डाउन ऊपर और नीचे क्या करती हैं मूव करती हुई आगे बढ़ती है, मतलब बढ़ेंगी तो ये आगे ही बढ़ेंगी मगर ये अपनी मेन पोजीशन से क्या है ऊपर नीचे मेन पोजीशन में क्या करेंगी आती जाती आगे बढ़ेंगी, ट्रांसवर्सल वेव्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो इसका फॉर्मेट जो क्लासिकल फॉर्मेट हमने बताया है इसमें आप इनके अप एंड डाउन को इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स समझ सकते हैं, है ना, ये इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं बच्चों। और ये जो दो उभरे हुए और दो डूबे हुए जो इनके जो हिस्से हैं इनको श्रृंग और गर्त कहते हैं, गर्त और श्रृंग, श्रृंग और गर्त या ट्रफ एंड क्रस्ट नाम इनके लिए आता है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है हर जगह एक लाइट के लिए वो क्या होती है एक ही होती है, तो इसलिए श्रृंग और गर्त ये दोनों जो हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और इसी को कहते हैं लैम्डा या फिर तरंग दैर्ध्य या फिर वेव लेंथ। तो वेव लेंथ जो वर्ड आया है वो इस लाइट को देख करके इसकी स्ट्रक्चर से निकलता है जी। तो इसकी जो वेव लेंथ होती है ये वेव लेंथ हर अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होती है। इसके अलावा वेवलेंथ के अलग हो जाने से ये सारी चीज़ें भी अलग अलग हो जाती है क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। कहने का मतलब है कि एक कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इन सबको आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लासिकल फार्मूला है प्लैंक्स का फॉर्मूला है ई इजिकल्स टू एच न्यू। देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला जो है ये प्लैंक्स फॉर्मूला है, प्लैंक्स रिलेशन। ये प्लैंक्स रिलेशन किस चीज को रिलेट कर रहा है आप देख रहे हैं इसमें दो चीजें रिलेट हो रही हैं, एक हो रहा है E और एक हो रहा है न्यू। ठीक है, यहां पे जो H है इसे कहते हैं बच्चों प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब ये वैल्यू नोन है, फिक्स्ड है, प्लैंक की कांस्टेंट वैल्यू है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब अगर ई चेंज होगा तो न्यू चेंज होगा। कहने का मतलब एनर्जी और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात तो यहां से ये सिद्ध होती है। अब आप इसी चीज को दोबारा से एक्सप्लोर करें और आगे एक्सप्लोर करें तो ये जो फ्रिक्वेंसी ये न्यू है इसको सी अपॉन लेमडा कहते हैं। ठीक है, सी वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा जो मैंने आपको बताया अभी ये तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ को कहते हैं। तो ये सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में लगाऊं तो दिस इक्वेशन विल बिकम ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से ये इक्वेशन ऐसे भी कन्वर्ट हो जाएगी कि ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगेन आपको बताया था एच जो है एक कॉन्स्टेंट है, प्लैंक कॉन्स्टेंट है, सी अपने आप में एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ है जो कि चेंज नहीं होगी। इसके अलावा लैम्डा वेवलेंथ है, इसका मतलब वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो तीन तीन प्रॉपर्टीज हैं ये आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कोरिलेटेड हैं। और इसी तरीके से एक जो ये आखिरी फंक्शन बचता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल टू 1/v⁻, जिसे हमने नाम दिया है वेव नंबर का। तो वेव नंबर जो होता है वो लैम्डा के अपोजिट होता है। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और रिलेटेड होने के कारण अगर एक भी चीज चेंज है तो इसका मतलब ये चारों की चारों चीजें क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। तो अगर आप कहेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग है तो आप कहेंगे कि उनकी एनर्जी भी अलग अलग हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग हैं या फिर उनके वेव नंबर भी अलग अलग हैं। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टीज़ को इन इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस में आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दुनिया में सारी जितनी भी लाइट हैं जितनी भी हमने कॉस्मिक रेज का नाम लिया अगर हम उन सारी की सारी रेडिएशंस को देखें तो वो सारी की सारी रेडिएशंस क्या हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, है ना। मगर हम इतनी सारी रेडिएशंस को पढ़ तो नहीं सकते, तो हमने पढ़ने के लिए उनको क्या तरीका निकाला हुआ है या उनको स्टडी करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम मतलब ये एक तरीके का एक स्पेक्ट्रा है जिसमें कि अलग अलग लाइट्स को, रेस को, वेव्स को उनकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में अरेंज किया जाता है। तो अगर हम इन सारी एनर्जी की लाइटों को या सारे वेवलेंथ की लाइटों को अरेंज करें तो ये टोटल सेवन डिफरेंट रेज में मतलब इस स्पेक्ट्रम के थ्रू दिखाई जा सकती हैं। आप देख रहे हैं इसमें सेवन हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जो कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास सेवन डिफरेंट टाइप की लाइट्स हैं। तो अगर हम पहली लाइट को कहेंगे गामा रेज, इसके बाद दूसरी रेज को कहेंगे एक्स रे, इसी तरह से यूवी, इसी तरीके से विजिबल, इसी तरीके से आईआर, इसी तरीके से माइक्रो और इसी तरीके से रेडियो वेव्स। तो ये हमारी सेवन डिफरेंट रेडिएशंस को या रेज को हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू समझा सकते हैं। अब ये सारी के सारी रेज जो हैं, ये रेज क्या हैं, इन प्रॉपर्टीज में क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रॉपर्टी को जैसे लैम्डा मैक्स को इसमें पॉइंट आउट कर लें तो हम कहेंगे कि 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर के इनफैक्ट 0.01 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक, 0.1 नैनोमीटर तक कि जो रेडिएशन है उसे गामा रेज कहते हैं। 0.1 नैनोमीटर से बड़ी और 1 नैनोमीटर से छोटी रेडिएशंस जो आती हैं वो एक्स रेज की कैटेगरी में आती हैं। 1 नैनोमीटर से शुरू होकर के तकरीबन 400 नैनोमीटर तक की रेडिएशन जो होती है वो यूवी रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहलाती हैं। अब 400 से लेकर के 800 या फिर इसको मोटा मोटे हिसाब से 1000, इसको 1000 नैनोमीटर की कह दें तो इतनी रेंज तक विजिबल की रीजन आती है, दृश्य प्रकाश आता है। 1000 से 10^6 नैनोमीटर तक इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, 10^6 से 10^10 नैनोमीटर तक ये आता है, माइक्रोवेव रीजन आता है और इससे बड़े रीजन को रेडियो वेव रीजन कहते हैं। तो अगर हम लोग केवल इसकी वेवलेंथ के ऊपर ही बात करें तो वेवलेंथ का ये जो स्पेक्ट्रम है ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ स्वरूप है। कहने का मतलब है इधर से इधर जाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि वेवलेंथ क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ई का और वेवलेंथ का एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में लैम्डा बढ़ रहा है तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया हुआ है ये घटती हुई एनर्जी के क्रम में लगाई गई रेडिएशंस हैं। इसको अगर दूसरे तरीके से पढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ आते समय वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि इसकी एनर्जी वहाँ से यहाँ आते हुए क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये दोनों की दोनों बातें तकरीबन एक जैसी बातें हैं। तो बच्चों इस पे बेस्ड एक तो आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि यूवी की, आईआर की या विजुअल रेज की रेडिएशंस कहाँ से कहाँ तक है, कितनी वेवलेंथ में है। तो एक तो आपका आंसर यहाँ से बिल्कुल क्लियर निकलता है और इसके अलावा आपको दो चार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बिल्कुल ये पूछे जा सकते हैं कि आप ये बताइए कि इनमें से सबसे हाईएस्ट एनर्जी की रेडिएशन कहाँ रहती है या सबसे लोएस्ट एनर्जी की रेडिएशन कहाँ रहती है या सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगी या सबसे लोएस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगी। तो एक तो ये स्पेक्ट्रम आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इन रेडिएशंस के नाम आप लोगों ने देखे, देखिए इसका नाम है गामा रेडिएशन, इसका नाम है एक्स रेडिएशन, यह है यूवी रेज, यह है विजिबल रेज, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो ये सारी के सारी रेडिएशंस का नाम है, ठीक है जी। अब इसके बाद बहुत शॉर्ट में मैं आपको दो तीन इन्फॉर्मेशन के साथ की और शेयर कर लेता हूँ। जैसे गामा रेज कहाँ से मिलती है, कहाँ से निकलती है, तो गामा रेज जो है ये न्यूक्लियस से निकलती है, न्यूक्लियस से, और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, रेडिएशन के साथ। तो रेडियो आइसोटोप्स जहाँ होते हैं वहाँ से ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स वहाँ के केस में जो है ये देखने को मिलती है गामा रेज, ठीक है। इसको जो इसका जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था बैकरल, बैकरल साइंटिस्ट नाम है,
डॉक्टर हेनरी बेकरल उन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज भी की थी, उन्होंने ये टर्म भी कॉइन किया था, और गामा रेज, अल्फा रेज और बीटा रेज जो है उन्हीं ने सबसे पहले प्रपोज की थी। तो इसके बाद जो दूसरी रेज है, अच्छा ये जो न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडियो आइसोटोप्स हैं या उनसे निकलने वाली ये जो गामा रेज है, ये बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, मगर ये रेडियोथेरेपी में, जैसे कैंसर की थेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी वहाँ पे बहुत असरदार ट्रीटमेंट की तरह यूज़ होती है। इसे रेडियो वेव्स को रेडियोथेरेपी में यूटिलाइज करते हैं बच्चों। एक्स रेज को डब्ल्यू सी रंगटन इन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और एक्सरेज रेडियोग्राफी में यूज़ होती है, रेडियोग्राफी में जैसे हड्डियाँ वगैरह टूटने में रेडियोग्राफी करते हैं उसे, वहाँ पे ये यूज़ होती है, या फिर एक बहुत मॉडर्न टेक्निक इस पे बेस्ड है उसे कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफिक डिफ्रैक्शन टेक्निक, तो वहाँ पर भी ये एक्स रेडिएशन से बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरीके से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में विटामिन D4 का बनना, विटामिन D3 से विटामिन D4 का बनना, मतलब हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जो विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जिसे D4 को कहते हैं, उसको बॉडी के अंदर बनाने के लिए रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि सुबह सुबह की लाइट में बहुत ज़्यादा UV रेडिएशन होता है जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है। तो इसकी अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज एक साइंटिस्ट का नाम आता है, राइटर नाम है इनका, RITER, उनको इसका श्रेय जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रेडिएशन विजिबल रेडिएशन है, आइजक न्यूटन का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है, आइजक न्यूटन, और इस आइजक न्यूटन ने जो है विजिबल रेडिएशन की खोज की थी। फोटोसिंथेसिस से लेकर के दुनिया की तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो विजिबल लाइट के कारण ही पैदा हो पा रही है। इसी तरीके से IR रेडिएशन जो है, एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आता है मार्शल साइंटिस्ट का नाम है, और मैं आपको IR का एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब रिमोट से स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं अपने टीवी को, तो वो जो रेडिएशन निकलती है वो बेसिकली दिस IR रेडिएशन होती है। या डिस्कवरी चैनल में कभी कभी हम देखते हैं ऐसे कैमरे रहते हैं जो नाइट विजन की लाइट को मतलब कैप्चर करते हैं, नाइट विजन में मतलब जो है शूटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो उसमें क्या है, IR सेंसिटिव कैमरे होते हैं, IR रेडिएशन को पकड़ पाते हैं। इसी तरीके से माइक्रोवेव्स आप लोग, हम लोग सब जानते हैं, ओवन में यूज़ होने वाली जो रेडिएशन होती है वो क्या है, माइक्रोवेव कहलाती है। तो वो माइक्रोवेव जो है, जो ओवन में यूज़ होने वाली माइक्रोवेव है, ये इसको जो कोई एक साइंटिस्ट का नाम आता है, इनका नाम आता है हर्ट्ज, इन्होंने सबसे पहले जो है ना डिस्कवर किया था। तो माइक्रोवेव्स का जो श्रेय जिसको जाता है उनका नाम है डॉक्टर हर्ट्ज, और ये माइक्रोवेव्स जैसे खाना पकाने के लिए माइक्रो रेडिएशन निकलती हैं उसमें ओवन में, वहाँ पे ये यूटिलाइज़ की जाती हैं। और इसके अलावा रेडियो वेव्स इससे बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हैं आप लोग, हम लोग सब लोग, क्योंकि हमारे पास जो टेलीफोन है या मोबाइल हैं, मोबाइल्स के लिए जो तरंगे आती हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं। बहुत दूर तक जब लाइट को भेजना होता है, इधर से उधर भेजना होता है जब लाइट को, या फिर किसी चीज़ को, सिग्नल को, तो वहाँ पे जो है हाईएस्ट वेवलेंथ को यूज़ करते हैं। तो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, सैटेलाइट के ट्रांसमिशन के लिए ये रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो साइंटिस्ट को श्रेय जाता है उनका नाम आता है मैक्रोनी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बहुत नटशेल में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा परव्यू दिया है। आप इसको बहुत डिटेल से देखेंगे तो आपको काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर इसमें मिलेंगे। और बच्चों ये ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, जो कि बच्चे हमारे जो है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें एज सच जो है कहीं भी किसी बुक में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये पार्ट है बिल्कुल कोर केमिस्ट्री का या फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आप इसको बहुत तरीके से समझ लें, एक एक पॉइंट को आप रिवीजन करके आराम से रोक रोक के वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा अब हम अपने टॉपिक में लौट रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो भी जिक्र चलेगा वो इन्फ्रारेड रेडिएशन का चलेगा, और इन्फ्रारेड रेडिएशन जैसे कि आपको बताया गया है वो 1000 नैनोमीटर से 10^6 नैनोमीटर तक है। तो ये जो IR रेडिएशन है ये 1000 नैनोमीटर से 10^6 नैनोमीटर तक है। 10^6 का मतलब हो गया 1,000,000, 1,000,000। तो इतना 1,000,000 नैनोमीटर तक के बीच की जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन के अंदर जितनी एनर्जी है, समझिए,
उस एनर्जी से जब इंटरेक्ट करेगा मैटर और जिस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, वो बिहेवियर स्टडी किया जाएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इस स्टडी के अंदर। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आईआर रेडिएशन का इंटरेक्शन विद मैटर और उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कशन है। इस रेडिएशन के अंदर, इस रेंज के अंदर आने वाले रेडिएशन की जो एनर्जी होती है बच्चों, वो यूवी रेडिएशन से कुछ कम होती है। आपने देखा है यूवी रेडिएशन लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, तो इसकी एनर्जी यूवी और विजिबल रेडिएशन से कम है। इसलिए जब ये मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ता है तो मॉलिक्यूल में जो यूवी रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा था, ये वो ना करके इसमें क्या, किस तरीके का फिनोमेना देखने को मिलता है, इसमें मिलता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो इसके लिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका क्या प्रिंसिपल है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो आप लोगों का एक जवाब जो जाना चाहिए, जी इसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इसका जो है फिनोमिना है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि देखिए, तीन तरीके की स्टेजेस हैं जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उनके ऊपर रेडिएशन पड़ती है तो रेडिएशन लेकर के वो तीन तरीके का बिहेवियर शो कर सकते हैं। रेडिएशन को एब्जॉर्व करके वो तीन तरीके का फिनोमेना शो कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक कर सकते हैं वो वाइब्रेशन, और एक कर सकते हैं वो रोटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब तो ये हो गया कि जब वो बॉन्डिंग स्टेज में है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करे और बॉन्डिंग स्टेटस को छोड़ करके एंटी बॉन्डिंग स्टेज में चले जाए वो, ठीक है ना, तो वो एंटी बॉन्डिंग में जंप कर जाए, तो इसको कह सकते हैं आप लोग क्या, इसको कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये वाला केस हमने जो है ना यूवी विजिबल के केस में पढ़ा था, वहां पे एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपने अपने शेल को छोड़ करके, अपने बॉन्डिंग स्टेटस को छोड़ करके, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके हायर एक्साइटेड स्टेट में या फिर एंटी बॉन्डिंग स्टेट में एकदम से जंप कर जाता है। तो ये वाला फिनोमेना हमने हायर लाइट के इंटरेक्शन के साथ देखा था। इस समय लाइट जो है उससे कम है, तो इस समय मॉलिक्यूल जंप तो नहीं कर पाता इतना ऊंचा, मगर वो वाइब्रेट कर लेता है। वो क्या करता है, छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। तो बच्चों इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। और एक बात और, जो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाएगा उसके साथ तो वो वाइब्रेशन दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन तो कम एनर्जी का है, तो जब वो जंप कर जा रहा है तो वाइब्रेट तो ऑब्वियसली बातें करेगा ही करेगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की अगर आप बात करो तो वहाँ वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मगर अगर आप वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन की बात करो तो वाइब्रेशन के अंदर भी अगेन रोटेशन भी आ जाता है, क्योंकि रोटेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वाइब्रेशन से काफी कम होती है। तो इसलिए अगर मैं कहूंगा कि ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कर रहा है तो ये आप अंडरस्टूड सी बात है कि रोटेशन भी इसके अंदर आ जाएगा, तो आप इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। ये दोनों तीनों नाम जो है बच्चों इसके लिए ही रखे गए हैं। अभी तक आपने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, इसके अंदर वाइब्रेशन केवल ऐसे ही मॉलिक्यूल शो करेंगे जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है। डाइपोल एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कि दो अलग अलग चार्जेस, मतलब एक प्लस और एक माइनस चार्ज, एक शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होते हैं, रखे जाते हैं। अगर हम इसके लिए कहें तो इनके डाइपोल मोमेंट जो होता है, ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इनके क्यू इंटू, अगर इनकी डिस्टेंस डी है तो इसके बराबर होता है बच्चों। तो डाइपोल एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पे कि दो डिफरेंट या अपोजिट चार्जेस एक शॉर्ट डिस्टेंस डी में प्लेस होते हैं, और इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो कि इसके चार्ज और इनकी डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। बच्चों ये चीज़ आप लोगों को पहले से पता है। ठीक है, तो आप डाइपोल मोमेंट को तो जानते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों चार्जेस की वैल्यू Q1 और Q2 या फिर प्लस क्यू और क्यू, क्योंकि ये तो वैल्यूज तो बराबर है, इक्वल टू जीरो हो जाती है। मतलब ये चार्ज
ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर पाता है मॉलिक्यूल, ना नेगेटिव चार्ज डेवलप कर पाता है, इसलिए क्यू जीरो के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है इंटू डी, तो ये जीरो के बराबर हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाती है, किस तरीके की हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल भी डाइपोल मोमेंट नहीं रखते या फिर पोलर नहीं होते, इस तरीके के कंपाउंड्स में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल नहीं की जा सकती, मतलब वो आईआर के लिए, इस तरीके के कंपाउंड आईआर के लिए इनएक्टिव हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो अगर हम कहेंगे कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तब तो वो क्या है, आईआर एक्टिव है, ठीक है ना, आईआर एक्टिव है, और अगर उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो आईआर एक्टिव नहीं है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, कोई बच्चा पूछ सकता है कि जी कोई कंपाउंड का एग्जाम्पल दो जो कि ऑप्टिकली या जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो या वो आईआर के लिए एक्टिव ना हो, तो इसके लिए कोई भी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल आप ले लें, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फॉर एग्जाम्पल आप ले लें Cl2 ले लें, या फिर आप इसमें H2 ले लें, या फिर आप इसमें N2 ले लें, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें ऑक्सीजन ले लें, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें इनएक्टिव हैं। इसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ज़रूरी नहीं है, जैसे CCl4, आप इस CCl4 का डाइपोल मोमेंट जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना डाइपोल इस तरफ है उतना ही डाइपोल इस तरफ है, उतना ही डाइपोल इस तरफ है, और नेट इफेक्ट जो डाइपोल मोमेंट का हो रहा है वो नेट इफेक्ट जीरो के बराबर हो रहा है। तो इस तरीके के कंपाउंड इसमें इनएक्टिव हो जाएंगे। एक बात और, अगर कोई स्टूडेंट ये पूछेगा जी ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिटरमाइन करें जिसमें डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, तो उसका एक आंसर आ जाता है, वो मैं आंसर एक्सप्लेन कभी और करूँगा, मगर आंसर है उसका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसे लोग जो कि डाइपोल मोमेंट इजिकल्स टू जीरो है, वो रमन एक्टिव होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं, और ये क्यों होते हैं इसका आंसर कभी और डिस्कस किया जाएगा बच्चों। तो फिलहाल आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में और आगे लेकर के जा रहे हैं, हमने बताया आपको कि एक तो ये मॉलिकुलर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा हमने बताया कि इसमें केवल वही कंपाउंड्स डिटरमाइन किए जा सकते हैं जिनका कि कोई ना कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1000 से लेकर के 1 मिलियन नैनोमीटर तक की इसकी रेडिएशन की रेंज है, मगर ये पूरी रेंज आईआर रेडिएशन कहलाती है, जिसको कि 3 रेडिएशंस में बांटा जाता है। इसमें नियर आईआर, मिड आईआर और फार आईआर रेंज आती है, ठीक है। नियर, मिड और फार आईआर, 3 तरीके की रेडिएशन बांटी गई है। नियर मतलब जो छोटी होगी, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी, मतलब विच इज लेस देन 2.5, और फार आईआर जो कि मोर देन 25 माइक्रोमीटर या फिर नैनोमीटर इसको कह सकते हैं, माइक्रोमिलीमीटर या मतलब नैनोमीटर इसको कह सकते हैं। तो जो भी रेडिएशन इससे कम या फिर इससे ऊपर होंगी, इससे ज़्यादा होंगी, इससे ज़्यादा होंगी, वो रेडिएशंस जो है इसके बीच में आएगी। तो मैं आपको बोलूं कि 2.5 से 25 नैनोमीटर की रेडिएशन जो है बच्चों इसके अंदर आती है, तो आप लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि हमारे को इस तरीके से इस रीजन के अंदर अंदर कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें भी बच्चों जिसका नाम है मिड आईआर, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रीजन है, मतलब इससे मिलने वाली रेडिएशन, इस रेडिएशन से इंटरेक्ट करके ही मटेरियल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारी सबसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप यूं बोल सकते हैं कि ये क्या है, डायग्नोसिस रेंज है, ये क्या है, डायग्नोसिस रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। मिड आईआर की जो रेंज है वो हमारे लिए यूजफुल रेंज है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको, जैसे मैंने आपको नैनोमीटर में ये लिखवाया हुआ है, तो आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप नैनोमीटर को जो है एनर्जी के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको इसकी फ्रिक्वेंसी के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, और आप इसको इसी तरीके से इसके वेव नंबर के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मूले आपको इसके लिए लिखवाए जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इसकी लैम्डा जो है 2.5 से 25 नैनोमीटर की है, तो आपको इसका वेव नंबर निकालना है अगर, तो आप 1/λ कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका 1/λ करके वेव नंबर निकाल देंगे, तो वेव नंबर जो इसकी रेंज है, वो वेव नंबर की रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 1/2.5 नैनोमीटर से लेकर के
1/25 नैनोमीटर तक हो सकती है। अब 2.5 नैनोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर को आप सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो सेंटीमीटर में ये 10^-7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2.5 × 10^-7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से आपका आंसर निकल आएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसको लेकर के जाएंगे ऊपर, 10^7/2.5 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर को भी ऊपर लेकर के जाएंगे, देखिए तो 10^7/25 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से आपकी जो फाइनल रेडिएशन आएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में आ जाएगी, और सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में अगर हम लोग इसको देखें तो आप देखेंगे कि ये रेंज में आएगी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 667 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस रेंज में, किस रीजन में, किस वेव नंबर में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है, तो आप इसका ये आंसर ना दे करके इसका 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 667 सेंटीमीटर इनवर्स आंसर देंगे तो ये परफेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, वो स्पेक्ट्रा जो है हमेशा वेव नंबर्स को ही दिखाता है, ना कि उसमें ये वेव लेंथ दिखाई भी रहती है। तो आपको इसके लिए इस तरीके का जो मैथमेटिकल जो अप्रोच है, थोड़ी सी अगर आपको आती होगी तो आप इसका वैसे कन्वर्जन सीख सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको नटशेल में इसके लिए एडवाइस किया हुआ है कि आप 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हायर लेवल में जब पूछा जाता है तो तब ये बातें ज़्यादा डिस्कस करने को मिलती हैं। आप अभी चाहें तो आप अपने आंसर अपने नोटबुक में बनाते समय फिलहाल इसको फेयर में करके उसको रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है हमारी बच्चों मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की। अभी आप लोगों को बताया गया कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है। तो ये वाइब्रेशन किस तरीके का वाइब्रेशन है, कैसा होता क्या है इसमें? वाइब्रेशन में क्या होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अपने लोअर स्टेट से अपनी हायर स्टेज में चले जाता है। मगर हायर स्टेट में का मतलब होता है यहाँ पे अपनी हायर वाइब्रेशनल स्टेट में चले जाता है। वो जिस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे इस्टेब्लिश है उस समय, उससे ऊपर नीचे आना जाना अप एंड डाउन शुरू कर देता है, क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अभी जितनी उसकी एनर्जी थी उससे ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, ऊपर नीचे चढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी को तो वो अपने पास रख नहीं सकता या रखने के बाद वो स्टेबल नहीं रह सकता, इसलिए वो क्या करेगा, ऊपर नीचे चढ़ेगा। अब ये जो ऊपर नीचे चढ़ते समय जो शिरकत करेगा तो ये जो है ट्रांजिशंस के टर्म्स में रिकॉर्ड हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएंगे, और इन्हीं ऑब्जर्व्ड ट्रांजिशंस को हम लोग क्या है इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो इसलिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो होते हैं ये एनर्जी लेने के बाद इनका अपर एनर्जी लेवल में या अपर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ऊपर चढ़ना या फिर वहाँ से नीचे आना, ये फिनोमिना जो है इस ये पढ़ा जाता है। अच्छा देखिए, अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस भी इसके जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चों। तो इसमें दो तरीके के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, इसमें बेसिकली दो तरीके के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं। एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को कहते हैं हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, और एक को बोलते हैं हम बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रेचिंग का मतलब जी स्ट्रेच कर देना इसको, और बेंडिंग का मतलब इसको मोड़ देना, है ना। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो तरीके के वाइब्रेशन हैं। कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो या तो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने स्ट्रेच करने के काम आएगी या फिर उनको बेंड करने के काम आएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक इसकी जो क्लासिकल थ्योरी है उस क्लासिकल थ्योरी की तरफ लेके जाऊँगा, क्लासिकल थ्योरी। और ये क्लासिकल थ्योरी कहती है ये जो कंपाउंड ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एटम्स जो हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो एटम हैं ये एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं।
अब ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड स्ट्रेचेबल बॉन्ड है, या फिर अगर आप चाहें तो इसको एक स्प्रिंग की संज्ञा दे दें कि ये क्या है, एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग जैसा कि आप जानते हैं खींची भी जा सकती है, मोड़ी भी जा सकती है, घुमाई भी जा सकती है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आप इसमें देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पे ये एक स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल से आप रिप्लेस कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब देखिए, अब जब हम इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खींच भी सकते हैं और इसको बेंड भी कर सकते हैं। तो यही दो चीजें जो है यहाँ पे लागू होनी है। अब अगर हम देखें कि कितने तरीके से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इसको बच्चों दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। दो तरीके की इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम दो तरीके से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। एक का नाम है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, और एक का नाम है बच्चों एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब हो गया जब आप इस स्प्रिंग को इधर की तरफ या फिर इस स्प्रिंग को इधर की तरफ, दोनों को मतलब दोनों को एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं, तो ये वाली स्ट्रेचिंग क्या होगी, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जैसा इसको कर रहे हैं जी वैसे ही उसको भी कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई। ठीक है, अच्छा ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग को ऐसा भी कहते हैं और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग को ये लोग ऐसा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेचिंग का मतलब हो गया या तो एक दूसरे से दूर ले जाना या फिर नजदीक लेके आना, मगर बिल्कुल उसी एक्सिस के अलोंग। याद रहे एक्सिस को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे मैंने ये ड्रॉ किए दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से इसको कहेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये ऊपर वाले को सॉरी। और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब या तो दोनों को इधर की तरफ खींच लो या फिर दोनों को इधर की तरफ खींच लो, ये हो गया इसका एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो इस तरीके के बिहेवियर अगर देखे जाएंगे तो ये स्ट्रेचिंग टाइप के वाइब्रेशंस कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एनर्जी देने के बाद वाइब्रेशंस जो हैं बेंडिंग तरीके से भी ऑब्जर्व हो सकते हैं, तो बेंडिंग भी इसमें मिल सकती है आपको। आपने जब एनर्जी दी तो दो तरीके की बेंडिंग हो सकती है, एक तो इन प्लेन बेंडिंग और एक हो सकती है आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग का मतलब केवल अपने प्लेन में बेंड होगा। प्लेन में बेंड होने का मतलब है बच्चों, आप इसको इस मॉडल से कंसीडर करें, एक ही प्लेन में वो जो है ना बेंड होंगे। अगर ये इधर आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, और इस तरीके से अगर ये इधर, ये दोनों उधर भी जा सकते हैं, दोनों इधर भी आ सकते हैं। एक केस ये हो सकता है बच्चों, और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है। तो मतलब बेंड करने के दो तरीके इनके पास, या तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में बेंड कर दें, एक ही प्लेन में बेंड कर दें, या फिर दोनों को अलग अलग प्लेन में बेंड कर दें। अगर वो एक ही प्लेन में बेंड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सीजरिंग, इसका नाम हो जाएगा बच्चों सीजरिंग। और अगर वो अलग अलग प्लेन में बेंड करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा रॉकिंग। तो सीजरिंग एंड रॉकिंग दो तरीके की ये बेंडिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आउट ऑफ द प्लेन का मतलब होता है, आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है बच्चों जो इनके पास दो एटम हैं जुड़े हुए, इन दोनों को या तो ये अबव द प्लेन ही बेंड कर दें और या फिर बिलो द प्लेन बेंड कर दें। इसी तरीके से एक केस ये भी हो सकता है, एक को अबव द प्लेन और एक को बिलो द प्लेन बेंड कर दें। तो आउट ऑफ द प्लेन में दोनों को एक तरीके के प्लेन में अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन बेंड करने का भी नतीजा देखने को मिल सकता है, और अबव द प्लेन और दूसरे को बिलो द प्लेन ऐसा भी देखने को मिलता है। तो दोनों जब अबव या बिलो द प्लेन है, इसको तो बोलते हैं ये लोग क्या, वैगिंग। और दूसरे वाले केस को कहते हैं बच्चों ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मतलब जैसे तौलिया निचोड़ते हैं, कैसे निचोड़ते हैं, ऐसे करके निचोड़ते हैं। तो इस तरीके से वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, सीजरिंग एंड रॉकिंग, ये चार तरीके के बेंडिंग वाइब्रेशंस, और सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल दो तरीके की स्ट्रेचिंग,
इन सारे के सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग एज ए मॉलिकुलर वाइब्रेशन इन दिस मॉलिक्यूल विच इज़ अंडरगोइंग दिस आईआर इंट्रैक्शन, आईआर रेडिएशंस इंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो किया है पहले फेज में, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपको टेक्निकली ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस किस तरीके से पीक जनरेट होती है और उसको कैसे एलैबोरेट करना है। बच्चों थैंक यू।